देखिए दोस्तों, आज ये नया साड़ी फिर से पहनी है और कहीं जाने के विचार में है। वीडियो पूरा देखिएगा। हाँ पूरा देखिएगा। हाँ उसके बाद जो है आप लोगों को पता चल जाएगा कि कहाँ जा रहे हैं आरती जी। दोस्तों अभी जो है मम्मी को मनाएंगे आरती जी, सब में देखिए मम्मी क्या बोलती है। मम्मी कहने का मतलब है कि अभी जो है समस्या गड़बड़ है, तो अभी फिलहाल हालात भी सही नहीं है, वैसे जाने के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, इसीलिए जाने नहीं दे रही है अकेले। तो पापा बोल रहे थे कि मतलब जाएंगे घूमने के लिए, पता नहीं भैया कहाँ जाएंगे बता। अभी नहीं जाना है, अभी ठहर के जाना है। हम तो मना कर रहे थे, पहले तैयार हो गए हैं, देखिए अभी दिक्कत है, अभी नहीं जाना है। दोस्तों आरती होली में जाना चाहती है अपने घर और उमेश यादव ने आरती को घर जाने से रोका। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों आप लोग तो जानते ही हैं आरती अपने घर छोड़ के अभी छोटू के यहाँ रह रही है। जब से छोटू इस दुनिया को छोड़ के गया है तब से आरती के जीवन में काफ़ी भूचाल आया है। लेकिन इसी बीच आप लोग को मैं बता दूँ कि एक खबर निकल के सामने आ रही है कि आरती अब अपने घर जाना चाहती है, वो भी होली में। लेकिन ये खबर जैसे ही उमेश यादव को पता चला और छोटू के माँ को पता चला, तब छोटू के माँ और उमेश यादव जो है छोटू के पिता, वो साफ साफ आरती को मना कर दिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि तुम घर नहीं जा सकती हो। इतना ही नहीं दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि आप लोग इस वीडियो में साफ साफ देख रहे हो कि किस तरह आरती तैयार हो गई है नया साड़ी पहन के, और मन्नू भी तैयार हो गया है और किस तरह अपने माता पिता से परमिशन ले रहे हैं। लेकिन छोटू के माँ जो है वो भी जाने को नहीं बोलती है। तब जा कर के उमेश यादव यानी छोटू के पिता से पूछते हैं कि हम अपने घर जा रहे हैं, उसके बावजूद भी उमेश यादव भी वो उसको बोलते हैं कि नहीं तुम घर नहीं जा सकती हो। तब आरती काफ़ी उदास हो जाती है और कहती है कि हम कभी ना कभी अपने घर तो जाएंगे ही। तो इसके लिए आप लोग क्या कहना चाहते हो, आप लोग हमें कमेंट करके सीधा सीधा बता सकते हैं। तो यही था हमारे आज के वीडियो में। वीडियो आप लोग को थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे और लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।